नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टुडे 24 न्यूज पर। मैं हूँ आपके साथ कविता यादव। तो चलिए नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों पर। पहाड़ों में लगातार हो रही मूसलाधार बरसात के चलते तराई के मैदानी इलाकों में नदियों का बड़ा जलस्तर, बेगुल नदी का जलस्तर बढ़ने के कारण सितारगंज क्षेत्र के ग्राम रतन फार्म के झाड़ी गांव, वही शक्ति फार्म 7, 8 और 9 नंबर गांव के कई घरों में बरसात व नदी का पानी भर गया। घरों में लगातार पानी भरने की सूचना पर जिला प्रशासन व NDRF की टीम ने आपदा प्रभावित स्थानों पर पहुंचकर घरों में फंसे 100 से अधिक लोगों को रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। वहीं NDRF की टीम द्वारा जो लोग अभी घर में फंसे हुए हैं उनको रेस्क्यू किया जा रहा है। प्रशासन द्वारा पीड़ित लोगों को अन्य स्थानों में व आसपास के विद्यालयों व अन्य स्थानों में ठहराकर उनकी खाने पीने की व्यवस्था की जा रही है। अपर जिला अधिकारी जय भारत सिंह ने कहा, जिला प्रशासन पूरी तरह लोगों की हर मदद के लिए लगा हुआ है। डॉक्टरों की टीम की भी तैनाती कर दी गई है। बाढ़ से राहत बचाव कार्य जारी है। प्रशासन हर परिवार की खाने पीने की व्यवस्था कर रहा है। जैसे जैसे लोगों की सूचना मिलेगी बचाव टीम उनको वहां पर पहुंचकर रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थान पर पहुंचने का काम करेगी। ये अभियान अभी जारी रहेगा। वहीं सितारगंज से शक्ति फार्म को जोड़ने वाली सूखी नदी में पानी आ जाने से आसपास के घरों को और कई रास्तों को काफी नुकसान पहुंचा है, जहां प्रशासन द्वारा मशीनें लगाकर मरम्मत का काम किया जा रहा है। पानी काफ़ी बढ़ गया था, तो अरविंद नगर में कई घरों में पानी घुस गया था, इसलिए हमने रात से ही इनका रेस्क्यू करना शुरू किया। आज NDRF की टीम यहाँ पर आई है, ADM साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं और इनका रेस्क्यू किया जा रहा है। बोट भी लगी हुई हमारी दो और इन बोटों के सारे इन सभी लोगों को हमने यहाँ राज शिविर बनाया। बरुआ में हमारा स्कूल है, वहाँ पर इन सबको खाने पीने की सारी व्यवस्था कर दी गई है। लगभग हमारे 100 के करीब लोग हैं जो हमने अभी राज शिविर में शिफ्ट कर दिए, उनके खाने पीने की सारी व्यवस्था कर दी। राजस्व की और NDRF SDRF के लोग रात से ही, जब पता चला कि पानी बढ़ रहा है, रात से यहाँ पर लगे हुए हैं। सिंचाई विभाग की टीम भी लगी हुई है और आप देख ही रहे हैं कि काफ़ी दूर दूर तक पानी नज़र आ रहा है। और रात में काफ़ी परिवारों को रेस्क्यू किया गया था, लेकिन कुछ परिवार अभी वापस चले गए हैं। जो आसपास के जितने भी स्कूल हैं उनमें हमने व्यवस्था की हुई है उनके रुकने की और भोजन वगैरह की। लोग जो अंदर हैं कुछ नहीं आना चाह रहे हैं, वो सोच रहे हैं शायद अब पानी उतर जाएगा तो आवश्यकता नहीं होगी, तो उनको लाउड हिलर के माध्यम से हम उनको सूचना दे रहे हैं कि आप लोग आ जाएं, आपके खाने पीने की व्यवस्था पूरी प्रशासन करेगा। कितने परिवार हैं? एग्जैक्ट जानकारी के लिए पुनः इनको NDRF को बोला गया है। NDRF के इंस्पेक्टर साहब हैं, मेरे पास ही खड़े हुए हैं और इन्होंने दोबारा से उन लोगों को भेजा है कि चेक कर लें कि कोई ऐसा व्यक्ति तो नहीं है कि जो सिर्फ आने के लिए कह रहा हो। अगर आवश्यकता होगी तो उनको फिर रिक्वेस्ट करेंगे, नहीं तो फिर उनको इवैक्यूएट वहाँ करना फिर हमारी मजबूरी होगी। 10-15 सालों में अब इस बार इतना ज़्यादा पानी आया है, कई घरों में पीछे पानी घुस गया है। पानी घुसने का मेन कारण यह है कि यहाँ समय से जो सिल्ट उठाने का काम था वो प्रशासन द्वारा नहीं हो पाया और दूसरी चीज़ यह है कि जो ढेर लगाए हैं मिट्टी के, इनकी वजह से पानी की निकासी पानी को नहीं मिल पाई। उस वजह से पानी का जो जल स्तर था बहुत ज़्यादा बढ़ गया पीछे वाले क्षेत्रों में। पीछे जो घरों में पानी गया है उसका यही कारण है कि ये जो आगे अवरोध पानी में उत्पन्न हुआ उस वजह से पानी पीछे घरों में ज़्यादा भर गया। पहले हमने प्रशासन को बताया था कि ये जो हमारा बंधा बना है जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र को रोकता है पानी जाने से, उसमें क्या था, जब बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं, बहुत जगह बंधा क्षतिग्रस्त हो गया है, तो उसमें कई बार ऐसा हमने बोला प्रशासन में से कि इसकी मरम्मत कराई जाए, लेकिन प्रशासन ने आज 15-20 साल इस बंधे को बने हो गए हैं, कभी भी इसमें कोई मरम्मत नहीं कराई गई उनके द्वारा कराई गई। और इससे इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इसकी मरम्मत की। इसमें RBM पड़े, इसमें मिट्टी पड़े और समय समय पर जब भी बरसात आती है तो प्रशासन ये ध्यान रखे कि इसमें गड्ढे ना पड़े और इसको पुनः रिपेयरिंग का इसमें काम हो। आज के लिए बस इतना ही, बने रहिए टुडे 24 न्यूज़ के साथ।